हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मजिस्टर टीचिंग। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क रूटर्स, या जिसे हम डिस्क प्लेट भी बोलते हैं, उनके बारे में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो डिस्क ब्रेक होती है उसमें हमारे डिफरेंट टाइप की डिस्क होती है। जैसे किसी डिस्क में आपने देखा होगा होल्स होते हैं, किसी में स्लॉट्स होते हैं, तो उनका यूज क्या होता है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि डिस्क ब्रेक में जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में जो स्पेस होता है ब्रेक लगाते टाइम, वो स्पेस जो होता है वो ब्रेक पैड कवर कर लेता है, वो जुड़ जाता है ब्रेक के दौरान। जब वो जुड़ता है या उस स्पेस को कवर करता है तो उससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है ब्रेक डिस्क से और ब्रेक पैड के बीच फ्रिक्शन के कारण। तो जो हीट जनरेट होती है उसी हीट को रिमूव करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स की जो डिस्क प्लेट्स हैं या डिस्क रोटर्स हैं, इनको डेवलप किया गया है, इनको डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क रोटर। तो मेनली चार टाइप के डिस्क रोटर्स होते हैं। पहली है प्लेन डिस्क रोटर, दूसरी है ड्रिल्ड या ड्रिल डिस्क रोटर, तीसरी है स्लॉटेड डिस्क रोटर और चौथी है ड्रिल एंड स्लॉटेड डिस्क रोटर। तो चलिए बात करते हैं पहले की, हमारी जो प्लेन डिस्क रोटर है। फ्रेंड्स, इस टाइप की डिस्क प्लेट कॉमन होती है, ये सभी जो पैसेंजर व्हीकल होती है उनमें लगी होती है, उनमें आप देख सकते हैं। लेकिन जो प्लेन डिस्क होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है वेंटेड और एक होती है नॉन वेंटेड। वेंटेड डिस्क वो होती है जिनका सरफेस तो प्लेन होता है, लेकिन उनके यदि आप सामने से देखेंगे डिस्क की मोटाई से तो उनके बीच में स्लॉट्स होते हैं, उनके बीच होल होते हैं जिनसे हीट रिमूव होती है वेंटेड जो डिस्क होती है उनमें। और जो नॉन वेंटेड डिस्क होती है वो एक सिंपल पूरी मोटी डिस्क होती है जिसमें आपका एक भी होल वगैरह नहीं होता है, वो होती है हमारी नॉन वेंटेड डिस्क। फ्रेंड्स, दूसरी है हमारी ड्रिल डिस्क रोटर। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ड्रिल डिस्क मतलब ऐसे डिस्क प्लेट जिनके सरफेस पर होल होते हैं। ये होल वाटर डस्ट हीट को जल्दी से रिमूव करने के लिए बनाए जाते हैं, बने होते हैं। फ्रेंड्स, जो ड्रिल डिस्क प्लेट होती हैं ये टू व्हीलर में ज्यादा आपने देखी होंगी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि टू व्हीलर होती है वो लाइट वेट होती है और उसे ब्रेक के दौरान ब्रेक पैड होते हैं उनको कम स्पेस चाहिए होता है ब्रेक पैड को डिस्क से लगाने के लिए। तो इसलिए जो हमारे टू व्हीलर में ज्यादातर ड्रिल डिस्क यूज होती है। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा स्लॉटेड डिस्क। फ्रेंड्स, स्लॉटेड डिस्क या रोटर डिस्क प्लेट होती है जिनकी बाहरी सरफेस जो एक्सटीरियर सरफेस होता है उस पर स्लॉट बने होते हैं। ये स्लॉट व्हीकल में डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में ज्यादा एयर को बनाए रखने के लिए यूज होते हैं। ये डिस्क मेनली हैवी व्हीकल्स, SUV एक्सेट्रा में ज्यादा यूज होती हैं। इस टाइप के व्हीकल को स्टॉपिंग के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो ये जो स्लॉटेड टाइप डिस्क होती हैं ये ब्रेकिंग के दौरान मोर पावर, स्टॉपिंग पावर ज्यादा देती हैं, इसलिए इनको हैवी व्हीकल्स में यूज किया जाता है। जो स्लॉटेड प्लेट्स होती हैं इनका डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये नॉइज करती हैं। जब भी ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड डिस्क के स्लॉट से जब घिसता है तो नॉइज जनरेट करता है और जिसके कारण ब्रेक पैड होते हैं उनकी भी जो लाइफ होती है वो कम रहती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज रहता है स्लॉटेड डिस्क का। फ्रेंड्स, फोर्थ है हमारी ड्रिल एंड स्लॉटेड डिस्क। जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे कि ये ड्रिल और स्लॉटेड दोनों चीजें इस डिस्क प्लेट में होती हैं। ये जो प्लेट होती हैं ये मेनली परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स कार होती हैं उनके लिए डिजाइन की गई होती हैं, क्योंकि ये जो व्हीकल्स होती हैं इनमें जो कूलिंग और हीट डिसिपेशन हमें ज्यादा चाहिए होता है स्पोर्ट्स कार में, इसलिए इनको जो ड्रिल एंड स्लॉटेड डिस्क होती है मेनली जो परफॉर्मेंस कार होती है उनमें यूज की जाती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।